आज मैं आपको शर्ट की कटिंग बता रही हूँ कि किस तरह से कटिंग होती है शर्ट की। तो अपन इस अपने को कपड़े को ऐसे लेना है कि हल्का सा तिरछा और इधर से ऐसे तिरछा, क्योंकि अपने को ऐसे लेयर में लेना, हल्का सा ए शेप बनाएंगे नीचे से। तो इस तरह से तो अपने को गला 2 लेना है, कंधे अपने को 5 लेने हैं और भुज की लंबाई 6 लेनी है। और ये भुज की कटिंग होकर के ये कटिंग ऐसे चली जाएगी। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको कटिंग करके बता रही हूँ। पीछे का गला 1 ही लेना है क्योंकि इसमें कॉलर लगेगी, इसलिए मैं इस तरह से काट रही हूँ। ये ऐसे भुज की कटिंग हो जाएगी। शर्ट की थोड़ा सा लूज ही लेना है और लूज ही इसकी फिटिंग रखनी है अपने को। ये फिटिंग पूरा प्रॉपर नहीं होता है, थोड़ा लूज में ही जाएगा ये। इस तरह से अपने को ये वाला शेप देना है, ऐसे ऐसे सीधा नहीं लेना है, इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ से कटिंग कर देंगे इसकी, इस तरह से ये ऐसे कटिंग कर देंगे। फिर इसको अलग अलग कर देंगे, ये हिस्सा निकल जाएगा वापस से अंदर वाला, और फिर ये वापस से ऐसे लग जाएगा। ऐसे लग करके फिर ये कटिंग हो जाएगी वापस से। ये वाली कटिंग इसकी ऐसे जाने के बाद में ये बिल्कुल सीधी कटिंग होएगी। सीधी कटिंग होने के बाद में फिर इसमें कॉलर लगेगी, फिर ऐसे ये इस तरह से कटिंग होगी ऐसे। ये आगे वाला पार्ट है, इसमें ऐसे सामने से ऐसे कटिंग हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ये शेप आ गया। और ये हल्की सी गोलाई यहाँ से दे देंगे, बस ये वाली कॉलर पूरी यहाँ से कॉलर लगेगी, इसमें ऐसे घूम के कॉलर आएगी। ये पीछे का पोर्शन तैयार हो गया। गला की कटिंग 1 इंच है, भुज 6 इंच, और ऐसे मैंने ए शेप में इसको कटिंग करा है। ये पीछे का पार्ट रेडी है, ऐसे जाएगी पूरी कॉलर, इस तरह से आएगी। ये शर्ट है, आपको पैंट की कटिंग बताऊंगी कि पैंट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो इसमें क्या करना है, जैसे अपने मान लो हिप्स में लेना है, ये हिप्स से अपन नाप लेंगे हिप्स की तरफ से। तो अपना हिप्स आ रहा है 44 में 8 प्लस कर दो, 8 प्लस करने के बाद में आ जाएगा 52 में 1/4 ले लो, 1/4 जा रहा है 13 होता है। तो अपने को 13 लेना है, यहाँ पे 13 लेने के बाद में ये 15 इंच का आसन लेना है, इसी में अपने को 2 इंच की ऐसे इलास्टिक इसी में लगा देंगे। ये 15 इंच का 15 इंच का आसन ले लिया और 2 इंच इसी में अपन फोल्डिंग कर देंगे, इलास्टिक लगा देंगे, तो 13 इंच का कंप्लीट आसन आ जाएगा अपना। अब ये अपनी 40 इंच की लंबाई है पूरी। तो अब मैंने इसके 2 इंच इधर से ले लिया, 2 इंच मैंने उधर से फोल्ड कर दिया, तो 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है लंबाई में मैंने। तो इसका 44 की लंबाई है, 2 इंच इधर से 2 इंच उधर से, तो अपना कंप्लीट 40 पे आएगी पेंट। अब मैं कटिंग इस तरह से करूँगी, यहाँ से 2.5 इंच का ले करके और इस